हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे काउंटिंग फंक्शन का इस्तेमाल। काउंटिंग फंक्शन क्या है? काउंटिंग फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट मीन्स अ गिवन क्राइटेरिया। इसका मतलब ये है कि आप एक क्राइटेरिया देते हो और ये उस रेंज के हिसाब से आपको काउंट करके देता है। हम लोग यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे इन टोटल ऑफ 951 सॉन्ग्स हैं और सिंगर बहुत सारे हैं, जैसे कि एमिनेम हो गया, मोरे हो गया, चेयर हो गया। तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स हैं और डेट दिया गया है कि एमिनेम ने 21/5/2004 को 4 मिनट का एक गाना गाया था। अगर आपको काउंटिंग फंक्शन यूज़ करके निकालना है कि एमिनेम ने कितने गाने गाए थे, इसने कितने गाने गाए थे, इसने कितने गाने गाए थे, इसने कितने गाने गाए थे, तो अभी हमें काउंट करना है कि एमिनेम ने तो इन टोटल कितने गाने गाए हैं। तो सिंटैक्स एज यूजुअल इज इक्वल टू से शुरू होगा, काउंट सी ओ यू एन टी काउंट आई आर काउंटिंग ब्रैकेट ओपन, और मैं ले लेता हूँ अपना रेंज। पहले हमें अपना रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है, हम लोगों ने अपना रेंज सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें किसके गाने चाहिए? एमिनम के। तो हम लोगों ने यहाँ पे एमिनम में क्लिक कर दिया और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। हमें पता चला कि जो 900 तो टोटल 951 गाने हैं, उनमें से 114 गाने इन टोटल एमिनम ने गाए। तो उस हिसाब से अभी दोस्तों इसका निकालेंगे, इसमें टोटल कितने गाने गाए हैं। इक्वल टू काउंट आई काउंटेड ब्रैकेट ओपन सिलेक्शन हो गया कॉमा, तो नाम टाइप कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमें पता चला कि चेयर ने टोटल 112 गाने गाए थे। अभी हमें इन चारों का भी चाहिए, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं और फॉर्मूला को ड्रैग करके नीचे लाते हैं तो मिल जाता है हम लोग का टोटल गाने गाना कितना, इन लोगों ने मोर ने कितने गाया है, स्पेयर्स ने कितने गाया है। तो ये रहा अपना काउंटिंग फंक्शन का यूज़। थैंक यू दोस्तों।